अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए अपना जो मेरा सेक्शन है हेल्थ का, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की आपके लिए रेमेडीज लेकर आता हूँ और मुख्तलिफ़ टोटके लेकर आता हूँ सेहत के हवाले से। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक और रेमेडी लेकर आया हूँ, एक नुस्खा लेकर आया हूँ, एक सॉस लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, स्पेशली ये मेंस जितनी भी डिजीज है उसके लिए। ऐसे लोग जो जिनसी तौर पे कमज़ोर हैं, जिनमें मर्दाना बांझपन है, स्पेशल मर्दों के लिए ये है। दोस्तों ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं या कोई मशक्क़त वाला काम करते हैं, कोई वज़न उठाते हैं या भारी काम करते हैं, तो अक्सर उनके जो उजलात हैं जो वीक हो जाते हैं, तो उन्हें टेस्टोस्टेरोन जो उनका लेवल है इंक्रीज चाहिए होता है। तो दोस्तों ये ऐसे लोग भी बना के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे मर्द हजरात जो हैं, जो उज़्वे तनासल की वजह से परेशान है, जिनका उज़्वे तनासल छोटा है या थिकनेस नहीं है उसमें, या जो बेड में जब जाते हैं वो उन्हें शर्मिंदगी होती है, ढीलापन होता है, तो उनके लिए बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए इस रेमेडी को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है चीनी ली है, और यहाँ पे मैंने नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है। नेस्ले का लीजिएगा, ये अच्छी क्वालिटी का होता है। दोस्तों 1 टीस्पून हमें चाहिए जो है डच प्रोसेस कोको पाउडर, ये अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर है, ये लज्जत कंपनी का है, मार्केट से इजीली आपको मिल जाएगा। तो आपने डच प्रोसेस लेना है। एक तो ये डार्क होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और इससे बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर बनता है। और दोस्तों क्योंकि मैं सूखा दूध यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए 2 कप मैंने लिया पानी। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हम कोको पाउडर शामिल करेंगे, मिक्स कर लें इसे। उसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, और फाइनल में हम इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों अब हम इसे मीडियम हीट के ऊपर रखेंगे, फ्लेम के ऊपर, और इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। चलिए दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे रखेंगे, जो हमने बैटर बनाया है कोको पाउडर, जो हम सॉस बना रहे हैं जिनसी जो अमराज के लिए। तो ये तकरीबन देखिए थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी ये बहुत पतला है, हमने इसे गाढ़ा करना है, सॉस फॉर्म में लेकर आना है। चलिए दोस्तों ये देखिए जो हम कोको पाउडर की चॉकलेट सॉस बना रहे हैं ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे डिश आउट करता हूँ, किसी बर्तन में डालता हूँ, इसे ठंडा करता हूँ। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन, घर के अंदर साफ़ सुथरी जो चॉकलेट सॉस तैयार है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की हम रेमेडीज़ बनाएंगे आने वाली वीडियो में। तो मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊंगा, इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूं और हिंट देता हूं, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बना के यानी डेमो बना के जिनसी तौर पर अगर आप वीक हैं, अगर आपका जो उज़्वे तनासल है यानी जकर है, जो नफ्स है सुखड़ा हुआ है, ढीला है और मोटाई नहीं है उसके अंदर और ग्रोथ नहीं है और उसकी हाइट नहीं इंक्रीज़ हो रही, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ इसका जो इस्तेमाल भी बता दूंगा, और इस वीडियो में भी आपको हिंट दे देता हूँ। दोस्तों इस चॉकलेट सॉस को आप जो है ब्रेड के ऊपर एज अ स्प्रेड भी लगा के खा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके साथ कोई स्नैक्स ले सकते हैं, डिप करके इसे खा सकते हैं। इसके अलावा आप बनानास के ऊपर डाल सकते हैं, स्मूदी के अंदर डाल सकते हैं, और मिल्क शेक बना सकते हैं इसके साथ, मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ मिक्स करके, स्पेशली बनाना का इसका बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। तो मैं अगली वीडियो में आपको तरीका भी बता दूंगा आपने कैसे बनाना है। और दोस्तों इसके 15 से 30 दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी जो पीनिस है यानी जो जकर है, जो नफ्स है आपका, उज़्वे तनासल है, उसके अंदर एक जो है न्यू तहरीक आएगी, ब्लड प्रेशर जो है अच्छे तरीके से उसके अंदर फ्लो होगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होगी, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, मोटाई इंक्रीज़ हो जाएगी, कैप काफ़ी जो है
थिक हो जाएगी। इसके अलावा जो है आपके जो स्पर्म काउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सीमन काउंट आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पेशली इससे आप एनर्जी ड्रिंक बनाकर भी पी सकते हैं और बॉडी बिल्डर्स के लिए बेस्ट है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चॉकलेट सॉस जो हमने बनाया, कोको पाउडर बनाना मैंने आपको सिखाया, आपको पसंद आया होगा। तो मैंने आपको पहले भी एक चॉकलेट सेपरेट की रेसिपी दी थी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो आपने इस वीडियो को भी प्यार देना है और मैंने इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और शेयर करना है। और जिनसी मरीज़ जितने भी हैं, मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ जो हैं, बांझपन के मरीज़ जो हैं, जिनमें मर्दाना बांझपन है, उन्हें आपने ये रेकमेंड करना है, उन्हें बताना, अपने फ्रेंड्स को बताना है ताकि वो इस्तेमाल करें और वो अपनी शर्मिंदगी से बच सकें। इस चॉकलेट जो सॉस है बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये इम्पोटेंस भी दूर करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी दूर करेगा, डिप्रेशन को दूर करेगा, मूड को बेहतर करेगा और हम बिस्ती के दौरान, मुबाशर के दौरान जब आपका नर्स आपका साथ नहीं देता, ढीलापन हो जाता है उसके अंदर, उसके अगेंस्ट में ये फाइट करेगा। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा है। मुझे ज़्यादा देर के लिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।